तो हे गाइस यार, कैसे आप सभी लोग। तो गाइस मैं हूं डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। तो भाई यार, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पबजी कोरिया वर्जन से रिलेटेड एक बैन इशू के बारे में, कि जब से यार एक नोटिस निकल रखा है पबजी कोरिया वर्जन बैन का, तब से हमें यहाँ पर एक बहुत ही बेकार इशू देखने को मिल रहा है। अब गाइस वीडियो में एक ट्विस्ट है, मैं आपको वीडियो के मिड में ही बताऊंगा, बट अभी फिलहाल आप वीडियो को कंटिन्यू करो। और गाइस क्या है वो इशू बैन के बाद का, और क्या हमें इशू फेस करने पड़ सकते हैं आफ्टर बैन, मैं आपको वो सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखना, और मेक श्योर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर ही लेना, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर देख लो, फिलहाल मैं अभी अपना अपना पबजी कोरिया वर्जन ओपन कर रहा हूँ, और गाइस यहाँ पर पबजी कोरिया वर्जन जस्ट ओपन होने ही वाला है। एंड ये अटकेगा कहाँ पर, ये लोडिंग वाले सीन पे। तो इस पर टैप करके सिंपल सा भाई डाटा देते हैं इसको वाईफाई का, और ये कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये कनेक्ट हो चुका है। सिंपल सा ओके पर टैप करेंगे, एंड उसके बाद हम गाइस इजीली गेम के अंदर में एंटर कर जाएंगे। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं गेम के अंदर में एंटर कर चुका हूँ। ओके, अब गाइस देखो यहाँ पर जैसे हमारा पबजी कोरिया वर्जन अभी फिलहाल बैन नहीं है, तो मैं वही नॉर्मली ऐसा ही लॉग इन करके खेल सकते हैं। बाय द वे, हम लोग इस तरह से लॉग इन करके खेल सकते हैं। बट यार आपको कहोगे भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब हमारा तो नॉर्मल पबजी मोबाइल कोरिया ओपन हो ही रहा है, और आप किस इशू के बारे में बात करना चाहते हो। तो गाइस देखो यार, इशू क्या है कि जैसे हमारा पबजी कोरिया वर्जन मान लेते हैं कि बैन हो गया, मान लेते हैं 30 जून आज है और हमारा पबजी कोरिया वर्जन गाइज बैन हो गया। अब गाइज देखो यार, बैन होने के बाद हम क्या करेंगे, वीपीएन लगा करके गेम को ओपन करेंगे। ज्यादातर बंदे वही करते हैं, जिनकी आईडी अच्छी होती है तो वो वीपीएन लगा करके खेलने का कोशिश करेंगे। ओके, पबजी कोरिया वर्जन। तो अब गाइज वीडियो में क्या ट्विस्ट था, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले यार यहाँ पे कोई भी सा एक सर्वर चूज करते हैं गाइज, यार उसको जाकर के हम कनेक्ट कर देते। तो फिलहाल मैं ज्यादातर हमेशा सजेस्ट करता हूँ सिंगापुर का सर्वर, बिकॉज यहाँ पे हमें पिंग थोड़ी बहुत कम देखने को मिलती है। तो गाइज इसको कनेक्ट होने देते हैं, बस ये जल्दी से कनेक्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइज यहाँ पे देखो हमारा सर्वर गाइज कनेक्ट हो चुका है। ऊपर में गाइज वीपीएन लिखा हुआ भी आ चुका है, आप देख सकते हो ऊपर में वीपीएन लिखा हुआ आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा अगर हम जाकर के अब अपने पबजी कोरिया वर्जन गाइज ओपन करते हैं, तो शायद आपको पता होगा हम लोग सिंपल सा वीपीएन लगाते हैं, मतलब गेम को रन करने के लिए बैन होने के बाद सिंपल सा वीपीएन कनेक्ट करते हैं, एंड उसके बाद गेम को ओपन करते हैं, एंड उसका सिंपल सा अपना गेम वगैरह लगाते हैं और गेम को खेलते हैं, ठीक है। अब गाइज देखो यहाँ पे गाइज क्या ही सीन है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा गेम ओपन हो रहा है ना, अब देखना गाइज ये कैसे हमारा पास भाई क्या ही इशू करेगा। देखो गेम स्टार्ट हो रहा है, अब गाइज इशू देखना, मतलब अलग ही लेवल का इशू है ब्रो। पहली बात तो यहाँ पे आपको बैन का नोटिस, पहली बात तो आपको यहाँ पे चिपका देगा कि हाँ भैया आप कुछ भी जुगाड़ लगा लो, हम 30 जून के बाद आपका गेम की लगा देंगे जो भी है। तो ये आपको अनाउंसमेंट आपको यहाँ पर दिखा देंगे, तो इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट निकालते हैं। वैसे रिकॉर्डिंग ऑन है ना ब्रो? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। तो अगर आप जाते हो कट करके अपनी आईडी को गाइज लॉग इन करते हो, ठीक है। जैसे बाय द वे मैंने अपनी आईडी को मैं लॉग इन पर मैंने टैप करा है साइन इन एप्पल, और गाइज देखो गेम स्टार्ट हो चुका है। आपको क्या यार इसमें इशू क्या था, कुछ तो हमें इशू देखने को नहीं मिला। इशू आपको अब देखने को मिलेगा, पता क्या इशू है, आपका गेम ही क्रैश कर जाएगा। कैसे, अभी देखो यार कट गया, मैंने कुछ नहीं करा है, समझ रहे हो, मैंने कुछ नहीं करा है। गेम वीपीएन ला करके ओपन करोगे और आपका गेम क्रैश हो जाएगा, गेम ओपन ही नहीं होगा। और ये सिर्फ दिक्कत पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन की है, और ये दिक्कत एंड्रॉयड की नहीं है, आईओएस की है। बट इस बात की गाइज मैं गारंटी नहीं ले सकता, इस बात की मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि बैन होने के बाद आपका पबजी कोरिया वर्जन वीपीएन से चलेगा या नहीं चलेगा। बिकॉज पबजी केयर वालों ने पहले ही पता क्या करा है, आईओएस में ये चीज़ों को पैच कर दिया। मीन आप आईओएस में वीपीएन लगा करके पबजी कोरिया वर्जन नहीं खेल सकते, आप भले ही ग्लोबल वर्जन खेल लोगे वीपीएन लगा करके चलेगा, बट आप आईओएस में वीपीएन लगा करके पबजी कोरिया वर्जन नहीं खेल सकते, समझ रहे हो। यही ट्विस्ट था कि आपके ये जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है करंट टाइम में, वो तो गैस एंड्रॉइड की है जो आपको पड़ सकती है फेस करना, समझ रहे हो, मतलब सॉरी वो तो आईओएस की दिक्कत है जो आपको करंट टाइम में फेस करना पड़ सकता है। बट एज टू मी, मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि जब हमारा पबजी कोरिया वर्जन बैन हो जाएगा तो क्या हम इसको खेल पाएंगे या फिर नहीं खेल पाएंगे, इस बात की गाइस मैं बिल्कुल गारंटी नहीं ले सकता। तो गाइस एक छोटा सा इशू था, मैंने आपको बता दिया कि पबजी कोरिया वर्जन में ये इशू अभी फिलहाल करंट टाइम में आईओएस प्लेयर को देखने को मिल रहा है, और बैन के बाद हो सकता है कि एंड्रॉयड प्लेयर को भी देखने को मिल जाए। तो आप अपनी कोरिया की आईडी में सोच समझ करके ही कुछ भी चीज़ें क्या बोलते हैं उसको एक्सपेंसेस करना, मतलब जो भी आपको स्पेंड करने अपनी आईडी में, कुछ भी यूसी वगैरह खरीदने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो सोच लो हाँ भाई कि अब पबजी कोरिया वर्जन नहीं चलने वाला है, तो आप वो सूझबूझ से ही अपनी आईडी में कुछ भी खरीदो,
ओके और गाइज मैं आपको दूसरा एक और पॉइंट बता दूं कि अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि सारे बंदे ना, बहुत सारे बंदे ग्लोबल वर्जन पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि 30 जून के बाद पबजी कोरिया वर्जन नहीं चलने वाला है, समझ रहे हो? 30 जून के बाद पबजी कोरिया वर्जन नहीं चलने वाला है, तो वो क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, मतलब नहीं चलने वाला, तो कुछ कुछ बंदे अभी से ही ग्लोबल वर्जन खेल रहे हैं और कुछ कुछ न्यू न्यू आई डी बना रहे हैं एंड कुछ कुछ पुरानी आई डीज वगैरह ही परचेज कर रहे हैं। अगर आपको गाइज पुरानी आई डी वगैरह परचेज करनी है ना, मतलब आप चाहते हो कि मैं पुरानी आई डी वगैरह परचेज करूँ, समझ रहे हो? अगर आप चाहते हो कि कुछ पुरानी आईडी वगैरह परचेज करें जिसमें अच्छे खासे रॉयल पास वगैरह हो, तो अब डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीप में यूसी के मतलब रेट्स वगैरह, प्लस आपको वहाँ पर चीप में आईडीज वगैरह दिख जाएगी, तो अगर आपको बाई करना होगा तो आप बाई कर सकते हो। तो गाइस यही थी एक छोटी सी वीडियो जो मैं समझाना चाहता था आप सभी को। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ। और गाइस मुझे बताना यहाँ तक किस किन किन ने यहाँ तक वीडियो को देखा है, और भाई जिस जिस बंदे ने भी यहाँ तक वीडियो को देखा है ना, तो एक बात प्लीज गौर कर लो, अगर आपको कुछ भी और इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको मतलब दिक्कत आती है ना गेम से रिलेटेड जब से बैन हुआ है, तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी दिक्कत फेस करने को मिल रही है। ओके तो गाइस यही थी आज की वीडियो, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज डेविल एंड आई एम सैनिंग आउट।